गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मुंबई स्टाइल वड़ा पाव। मुंबई स्टाइल वड़ा पाव सभी की बहुत ही फेवरेट डिश है और मुंबई में तो ये हर कॉर्नर पे बहुत ही इजीली अवेलेबल है। साथ ही इसमें आज मैं बताऊंगी आपको जो रेड कलर की चटनी हम बनाते हैं वड़ा पाव में फिल करने के लिए। इस चटनी की स्पेशलिटी ये है कि आप इसको अपने फ्रिज में काफ़ी दिन तक स्टोर करके भी खा सकते हैं। साथ ही अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मुंबई स्टाइल वड़ा पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने वड़े की तैयारी करेंगे। इसके लिए हमको चाहिए उबले हुए मैश किए हुए आलू। ये मैंने दो मीडियम साइज़ के आलूओं को बॉईल करके और मैश कर लिया है। एक कटोरी बेसन, नींबू का रस, राई, सरसों, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक, रेड चिली पाउडर और साथ ही चाहिए करी लीव्स। ये मेरे पास ड्राई करी लीव्स थी तो मैंने आज ड्राई यूज़ की हैं। और साथ ही चाहिए हमको ऑयल। वड़ा पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने बेसन का घोल तैयार करेंगे जिसमें हम अपने वड़ों को डिप करेंगे। तो मैंने लिया है बेसन एक कटोरी और एक बाउल लिया है, इसमें मैंने अपने बेसन को डाल दिया है। साथ ही इसमें डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है और रेड चिली पाउडर। इसके अलावा हमें इस बेसन में कुछ नहीं डालना है और धीरे धीरे पानी डालते जाएंगे। पानी एक साथ नहीं डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे और इसका मीडियम घोल बनाएंगे, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। अभी ये थोड़ा थिक्के से पानी और ऐड करेंगे। ये बेसन मैंने पहले से छान रखा था, अगर आपने नहीं छाना है तो आप अपने बेसन को एक बार छान लें। इससे क्या होगा कि बेसन में घोल बनाते हुए लम्स नहीं आते हैं अगर छना हुआ बेसन हम यूज़ करते हैं तो। अब हम बनाएंगे अपने आलूओं को फ्राई करेंगे वड़ा बनाने के लिए। मैंने गैस पे एक कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। ये हम वड़ा बनाने के लिए अपने आलूओं को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे राई। ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसमें मैं डाल रही हूँ अपनी राई के दाने। ये मस्टर्ड सीड्स हमारी चटकने लगी हैं। अब हम डाल रहे हैं इसमें करी पत्ते अपने। गैस को मीडियम स्लो हीट पे रखेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी 1/2 टीस्पून और अपने आलूओं को ऐड कर देंगे। हल्का सा मिक्स करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही डाल रहे हैं नमक। गरम मसाला और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा नींबू का रस 1 टीस्पून और इसको फिर से मिक्स कर देंगे। ये वड़े के लिए आलू हमारे तैयार हैं। अब इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। सेकंड, अब हम बनाएंगे मुंबई स्टाइल वड़ा पाव के लिए अपनी एक चटनी जो कि वड़ा पाव में बहुत ही स्पेशल पार्ट है।
इसके लिए हमको चाहिए चटनी के लिए पीनट्स, हाफ कप पीनट्स लिए हैं मैंने, जिसको मैंने रोस्ट करके इसका छिलका हटा लिया है। एक पैन में डाल के मैंने इसको मीडियम स्लो हीट पे रोस्ट किया था, इससे उसका सारा छिलका उतर गया है, वो पीनट्स हमको चाहिए। साथ ही चाहिए 8-10 हमें लहसुन की कली और एक साबुत लाल मिर्च। थोड़े से चाहिए 1 टेबल स्पून तिल, सेसमे सीड्स, और चाहिए 1/4 कप नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट। साथ ही हमें चाहिए कलर देने के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर। चटनी बनाने के लिए हमने अपने गैस पे एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, 1 टीस्पून के करीब। जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम अपनी गार्लिक की जो क्लोव्स हैं उनको ऐड करेंगे। मैं अपने गार्लिक की सब क्लोव्स ऐड कर दिए हैं इसमें मैंने। 1 से 2 मिनट इनको सॉटे करेंगे। एक से दो मिनट हो गया है, अब हम ऐड कर रहे हैं अपनी पीनट्स। इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। साथ ही मैं इसके ऐड कर रही हूँ अपने तिल, 1 टेबल स्पून। इसको भूनेंगे। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ अपना कोकोनट, और हमें इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनना है, कोकोनट का कलर चेंज नहीं करना है। बस इतना ही भूनना है हमें इसे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करके इसको एक मिक्सी के जार में हम ग्राइंड करेंगे। अब हमारी चटनी को मैंने एक जार में निकाल लिया है, अब इसको ग्राइंड करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और नींबू का रस। नींबू का रस ऑप्शनल है, अगर आप इसको चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही डालेंगे इसमें साबुत लाल मिर्च और इसको ग्राइंड करेंगे। हमारी चटनी पिसकर तैयार है। ये इस तरह का ड्राई पाउडर ही रहेगा, ये बिल्कुल पतली चटनी नहीं होती है, ये एक तरीके का पाउडर होता है। ये हमारा तैयार है। अब हमारे पोटैटोज भी ठंडे हो गए हैं, आलू का मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब हमने इस तरह के एक दो मैंने बॉल्स बना के रख ली थी, वड़े हैं ये हमारे। इस तरह के वड़े हमें बनाने हैं अपने वड़ा पाव के लिए। इसी तरह से हम अपने सारे वड़े बना लेंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। अब हम अपने बड़ों को डीप फ्राई करेंगे। बड़ों को हमारा कढ़ाई में मैंने ऑयल चढ़ाया था, वो गरम हो गया अच्छे से। अब मैं अपने एक एक करके बड़ों को डीप फ्राई करूंगी बेसन में लपेट के। इसको कढ़ाई में डालेंगे। ये हमने अपने जितने भी वड़े थे सबको बेसन में लपेट के और डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल दिया है। अब एक तरफ से सिक जाएंगे तब हम इनको पलटेंगे। हमारे एक साइड से सिक गए हैं, अब हम इसको पलटेंगे। मीडियम स्लो हीट पे हमने अपनी गैस को रखा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ अगर गैस पे हम इसको फ्राई करेंगे तो बाहर से हमारा बेसन कच्चा रह जाएगा, इसलिए हमें इसको बहुत ही मीडियम स्लो हीट पे इसको फ्राई करना है अपने बड़ों को। बड़े हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम इसको निकालेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा वड़ा बना है। ये सारे वड़े हम निकाल रहे हैं, ये फ्राई हो चुके हैं।
हमारे सभी बड़ा बनके तैयार हो गए हैं। अब हम अपने बड़ा पाव को असेंबल करेंगे। हम अपने बड़ा पाव को असेंबल करेंगे। ये मैंने पाव लिए हैं, इसको मैंने दो पार्ट्स में काट लिया है। एक तो तरीका इसका ये है कि केवल इन वाले पाव को आप ऐसे ही चटनी लगा के और एक के ऊपर एक रख के सर्व कर दें। दूसरा तरीका ये है, इनको हम हल्का सा बटर में, थोड़ा सा बटर में इनको सेक लें। तो मैं आज आपको दोनों तरह से बता रही हूँ। पहले मैं बता रही हूँ कि किस तरह से आप बटर में हल्का सा सेक के उनको सर्व कर सकते हैं। गैस पे एक पैन रखा है, पैन गर्म हो गया है, इसमें मैं डाल रही हूँ बटर। और पाव रखे हैं मैंने, इनको बहुत ज्यादा नहीं सेकना है, सिर्फ थोड़ा सा सेकना है, कलर चेंज नहीं करना है अपने पाव का। बस इतना ही कि ये गर्म हो जाए, इतना हमें अपने पाव को सेकना है। ये सिक गए हैं, इसी तरह से हम अपने दूसरे पाव को भी सेक लेंगे और दो पाव हम बिना सेके बनाएंगे। हम अपने पाव को, जो सब पहले हमने बटर में सेके थे, उन पाव को हम असेंबल कर रहे हैं। इस पे लगाएंगे हम रेड चटनी। ये थोड़ा सा ड्राई चटनी होती है तो मुझे अपने हाथ का यूज करना पड़ेगा इसको स्प्रेड करने के लिए। ये चटनी आप अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा लगा सकते हैं। दूसरे पार्ट पे मैं लगा रही हूँ ग्रीन चटनी, धनिया पुदीने की चटनी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही रखेंगे हम एक वड़ा, इसके ऊपर से ये हमारा एक वड़ा पाव बनके तैयार है। इसी तरह से हम ये वाला वड़ा पाव भी बना लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको सेके ना बटर बटर में, इसको ऐसे ही हम अपना बड़ा लगा के और सर्व कर लें। इसमें भी यही होगा कि सेम प्रोसीजर है, इसमें भी आप चटनी अपनी रेड चटनी की फिलिंग करेंगे। मैंने इसको दो अलग नहीं किए हैं पार्ट इसके, आप चाहें तो अलग भी कर सकते हैं। साथ ही मैं लगा रही हूँ इस पे ग्रीन चटनी। बड़ा और इसको इस तरह से बंद कर देंगे। ये भी हमारा बड़ा पाव तैयार है। फ्रेंड्स, तैयार है हमारा डिलीशियस वड़ा, मुंबई स्टाइल वड़ा पाव बनके। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। थैंक यू।